एक्ट्रेस बिपाशा बासु अपने दो दशक लंबे करियर में बॉलीवुड में सेक्सिज्म और कलरिज्म जैसे मुद्दों के खिलाफ हमेशा वोकल और आउटस्पोकन रही है। बिपाशा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से एक टॉप प्रोड्यूसर ने उनके साथ एक फिल्म साइन की, उन्हें प्रोपोजिशन करने की कोशिश की और कैसे बिपाशा ने उससे निपटा। एक इंटरव्यू में बात करते हुए बिपाशा ने कहा, मैं एक यंग लड़की थी और मैं अकेली रहा करती थी। मेरा एक कैरेक्टर था जो किसी भी गलत चीज को टॉलरेट नहीं करता था और इसलिए बहुत सारे लोग डर गए थे। मेरे लिए भी एक टाइम ऐसा था, मुझे याद है जब मैंने एक टॉप प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म साइन की थी। बाद में जब मैं घर वापस आई तो मुझे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया, मिसिंग योर स्माइल। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी और मुझे इससे काफी अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे फिर से वैसा ही मैसेज भेजा। फिर बिपाशा ने उसे रोकने का फैसला किया। बिपाशा ने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और उससे पूछा कि वो मेरी मुस्कान क्यों मिस कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि बिपाशा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए बिपाशा ने एक्सप्लेटिव्स से भरा एक नोट प्रोड्यूसर को भेजा, जिसे उसने गलती से प्रोड्यूसर को भेज दिया था। उसके बाद टेक्स्ट आना बंद हो गया। शी ऑल्सो आस्क्ड हर सेक्रेटरी टू रिटर्न द प्रोड्यूसर साइनिंग अमाउंट एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क विद हिम एनी मोर। The producer then declined to take back the money. In another event where she had come face to face with the producer, he had avoided her. अगर बिपाशा के वर्क फ्रंट की बात करें तो बिपाशा ने 5 साल बाद अपना कमबैक किया है वेब सीरीज डेंजरस से, जो कि हाल ही में MX Player पर रिलीज हुई है।